अभी सबकी एग्जाम होने वाली है। एग्जाम बहुत नजदीक है। एग्जाम में सिर्फ एक से डेढ़ महीना ही बचा है और एग्जाम की कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। डर लग रहा है कि क्या होगा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है और पढ़ रहा हूँ तो कुछ याद भी नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है और बहुत आलसी टाइप का है, उसे आराम करना पसंद है, इसलिए वो बहाने बनाता रहता है ताकि वो मेहनत करने से बच सके। लेकिन आज के बाद आपको बेवकूफ नहीं बनना है। तुम अपने दिमाग के गुलाम मत बनो, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, फिर देखो कैसे पढ़ाई में मन लगता है। देखो अब से सिर्फ एक से डेढ़ महीने का टाइम ही बचा है, तुम्हें जो करना है इसे एक महीने में करना है। अगर तुमने इस एक महीने में कड़ी मेहनत ना की तो तुम्हारा रिजल्ट तो खराब होगा ही, साथ ही तुम्हारे पूरे एक साल का समय भी बर्बाद हो जाएगा। और समय की कीमत क्या होती है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। अगर तुम्हें समय की कीमत पता नहीं है तो तुम अपने पापा से पूछना कि समय की कीमत क्या है, तुमने पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता। तुम भूल जाओ कि तुमने पूरे साल क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पूरे साल क्या किया। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम इस बचे हुए महीने में क्या करते। सच बता रहा हूँ, अगर तुमने मन लगाकर इस बचे हुए महीने में कड़ी मेहनत कर ली तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात मानकर तुम एक महीने के लिए संन्यास के मूड में चले जाओ, सिर्फ एक महीना काफी है। अगर तुम क्लास में अच्छी रैंक को पाना चाहते हो, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो तुम इस एक महीने के लिए पूरी तरह संन्यास के मूड में चले जाओ और भूल जाओ उन सभी चीजों को जिससे तुम्हारा ध्यान भटकता है। इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी को यूज करना एकदम कम कर दो, बिल्कुल ना के बराबर। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसे बोल दो कि एक महीने के बाद मेरी एग्जाम है, मैं तुम्हें एग्जाम कंप्लीट होने तक ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखो यार, एक महीना कोई बड़ा समय नहीं है। अगर तुम अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हो तो तुम इतना त्याग तो कर ही सकते हो। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप इस एक महीने के लिए कुछ चीजों का त्याग करो। जैसे मान लो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोते हो, इसी एक महीने में आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही सो, और उसमें जो 2 घंटे बच रहे हैं उसे अपनी पढ़ाई में लगा दो और अपनी मेहनत आज से ही शुरू कर दो। तुम्हें एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और एक बात, अगर तुम एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो तुम किसी को मत बताओ कि तुम एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, तुम एकदम खामोशी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। किसी को बिल्कुल ही पता ना चले कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाहर तो बाहर लेकिन घर वाले को भी ठीक से पता ना चले कि तुम एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि लोगों को लगे कि ये क्या पास हो जाएगा, ये तो थर्ड डिवीजन में भी नहीं आया, ऐसा लगे लोगों को, लेकिन उस दिन पूरे स्कूल में टॉप करके पूरे स्कूल को हिला दो, जिससे तुम्हारे जो हेड है तुमसे जो जलते हैं वो यही देखकर पूरी तरह जलकर राख हो जाएंगे। फिर क्या है, एक हाथ में रिजल्ट लो और एक हाथ में मिठाई का डब्बा और घर चले जाओ। फिर अपने मम्मी पापा को मिठाई खिलाकर अपना रिजल्ट दिखाओ, सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी, हो सके तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाए, फिर वो तुम्हारा कितना सपोर्ट करेंगे। वो भी तो चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ करके दिखाए, तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी, वे गर्व के संग अपना सिर ऊंचा करके सबको बताएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरे स्कूल में टॉप किया है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं उनकी इज्जत करें? देखो यार, पढ़ाई सिर्फ जॉब के ही काम नहीं आती, बल्कि पढ़ाई हर उस फील्ड और उस क्षेत्र में काम आती है जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो। इसलिए मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो, कम से कम तुम इतनी पढ़ाई तो कर लो जिससे तुम्हें किसी इंसान के सामने झुक कर रहना ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और आज से ही मन लगाकर पढ़ो और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। जब भी तुम्हारा मन भटकता है तो तुम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सॉन्ग सुन लो और तुरंत पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। देखो यार, पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम इस एक महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हर एक बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ ऑल, अपनी एग्जाम की तैयारी करो।